स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, जिसमें हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है डी की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4 माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। तो इसका मेथड समझते हैं। और ये जो d अपॉन dx है, इसके लिए हम कैपिटल D में रिप्लेस कर देते हैं, नहीं रिड्यूस कर देते हैं। d की 4 हो गया, और ये जो k स्क्वायर, ये कांस्टेंट है एज इट इज, और ये जो y है ये बाहर लिख देते हैं कॉमन लेकर। जब भी कोई क्वेश्चन d अपॉन dx की फॉर्म में होगी, उसको हम कैपिटल D की फॉर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं कैपिटल D मीन्स d अपॉन dx। y अलग है, ये y एक वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो d अपॉन dx है वो डेरिवेटिव है। ठीक, तो हमने इसमें चेंज किया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, ऑक्जिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्जिलरी इक्वेशन इज, इसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन होगी, डी के प्लेस पर हम एम लिख देते हैं। सिंस डी इज इक्वल टू एम, जैसे डी अपॉन डी एक्स के प्लेस पर हमने डी लिखा, क्योंकि ये होता है, ये हमें पता है। लेकिन ऑक्जिलरी बनाने के लिए, ऑक्जिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है उसके स्थान पर हम एम लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ भी हो, फंक्शन हो, तब भी 0 आएगा ऑक्जिलरी इक्वेशन में, और 0 है तब तो 0 है ही। अब हम जो भी ऑक्जिलरी इक्वेशन होती है उसके हम फैक्टर करते हैं, इन गुणनखंड, और उसके रूट्स फाइंड करते हैं। उसके बाद तो पहले हम फैक्टर कर लें। तो हम जानते हैं इसके फैक्टर होंगे एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, एम फोर माइनस के फोर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फैक्टर के, ये फार्मूला आपको पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर होता है वो ए माइनस बी, ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है और ये माइनस है, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और के स्क्वायर का स्क्वायर, के फोर है ना, फोर पावर के लिए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब इसके फैक्टर फिर हो सकते हैं एम प्लस के, एम माइनस के, इसके फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि प्लस है बीच में, फैक्टर हो गया। हम वन बाई वन इसकी एम की वैल्यू निकालते हैं, जिनको हम रूट्स कहते हैं। तो देखिए, एम प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा, या एम माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा, या तीसरा जो फैक्टर है एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ से सिंपली आप देख रहे हैं एम की वैल्यू माइनस के हो जाएगी, यहाँ से प्लस की के यानी कि के, और यहाँ से देखते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर। तो स्क्वायर है इसलिए यहाँ दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस माइनस का के स्क्वायर। आप जानते होंगे स्क्वायर जब हम इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट आएगा, और दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, के बाहर आ गया अंडर रूट से, क्योंकि के स्क्वायर का अंडर रूट के होगा, और -1 रह गया। -1 क्या होता है, आई होता है ना। तो जो यहाँ पे जो रूट्स हो गए वो कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स कैसे, 0 प्लस माइनस के आई,
फॉर्म हो गई, दो रूट ये हैं, यहाँ अल्फा ये होता है और बीटा के है, ये रियल रूट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सी एफ फाइंड करते हैं, चूंकि यहाँ पी आई निकालने के लिए है ही नहीं क्योंकि जीरो है राइट हैंड में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड नहीं करेंगे, जिसको हम सी एफ कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। रियल एंड डिफरेंट रूट हमने फोर केस बताए थे, तो जिसमें दो केस यूज होंगे, एक रियल है दोनों और डिफरेंट है, अलग अलग है। तो क्या माइनस के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा सी वन, यानी एक कांस्टेंट ई की पावर, जो भी रूट आता है एम की वैल्यू आती है वो पावर पे आती है, ई की पावर माइनस के एक्स। सेकेंड इसके लिए के लिए सिमिलरली सी टू ई की पावर के एक्स, प्लस का के एक्स हो जाएगा क्योंकि के प्लस का है, यह माइनस का है तो माइनस का के एक्स। तो रियल और डिफरेंट के लिए तो ये प्रोसेस है। अब हम कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं। देखिए हमने फार्मूला बताया हुआ आपको, ई की पावर अल्फा एक्स, यानी कि अल्फा यहाँ जीरो है, जीरो एक्स, चूंकि यहाँ जीरो है और क्वेश्चन में कुछ नंबर हो सकता है, फिर ब्रैकेट सी वन कॉस वीटा एक्स, वीटा यहाँ के है, सी वन नहीं आएगा अब सी थ्री आएगा, है ना, सी वन और सी टू यहाँ आ चुके हैं, तो उसके बाद नंबर सी थ्री का आएगा, सी फोर साइन के एक्स। जो कॉम्प्लेक्स रूट है उसके लिए हमने प्रोसेस बताया है सी एफ लिखने का, जो फॉर्मूला है वो है ई की पावर अल्फा एक्स कॉन्स्टेंट, यानी सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये सी वन सी टू की जगह सी थ्री सी फोर इसलिए है कि इस क्वेश्चन में दो आर्बिटरी कांस्टेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये सी एफ हो गया। और यही, चलिए यही सॉल्यूशन होगा, यानी वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी एफ होगा। तो सी एफ क्या है, सी वन ई की पावर माइनस के एक्स सी टू ई की पावर के एक्स प्लस ई की पावर जीरो एक्स, यानी वन होगा, तो रह जाएगा ये केवल सी थ्री कॉस के एक्स सी फोर साइन के एक्स। तो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला जो फार्मूला था, या हम कहें मेथड था, वो रियल और डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर दो मेथड यूज़ किए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों मेथड पर डिपेंड था। कहीं कहीं दो मेथड होते हैं, कहीं तीन भी हो सकते हैं, कहीं एक मेथड से ही क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट जो कांस्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ फोर है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो हम क्या करें इसका, देखिए वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैपिटल डी में हम रिड्यूस करते हैं, यही होगा, समझ सकते हैं आप, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस फोर ये आ गया, और डी अपॉन डी एक्स केवल डी रहे, वन पावर है, प्लस यहाँ वाई जब कॉमन है तो यहाँ वन रहे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी ए ई इज, ए ई कैसे फाइंड होती है, डी के प्लेस पर हम एम लिख देते हैं,
यहाँ भी डी की डी अपॉन डी एक्स के प्लेस पर कैपिटल डी, ये ऑक्जिलरी इक्वेशन होगी। राइट एंड में जीरो ही रहेगा, चाहे यहाँ फंक्शन है या नहीं, इसके फैक्टर करने फैक्टर नहीं होंगे। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या, माइनस वी माइनस वी, वी माइनस का फोर है देख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर यानी माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर ए, ए मीन्स वन और सी मीन्स भी वन क्योंकि अपॉन टू है। आप देख सकते हैं एम स्क्वायर का कोफिशियंट ए होगा, वन है, बी माइनस फोर, सी वन। तो फार्मूला आपको याद ही होगा, हमने यहाँ अप्लाई कर दिया फार्मूला। तो ये रहा फोर प्लस माइनस, इसकी कैलकुलेशन रहेगी सिक्सटीन माइनस फोर यानी कि ट्वेल्व अपॉन टू, और देखिए फोर प्लस माइनस ट्वेल्व के हम फैक्टर करें तो फोर इंटू थ्री होंगे, फोर का अंडर रूट टू हो जाएगा, अंडर रूट में थ्री रह जाएगा ओनली, ठीक है। एम इज इक्वल टू टू से हम डिवाइड करते हैं तो फोर को डिवाइड करेंगे टू रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे टू कैंसिल होकर केवल अंडर रूट थ्री रह जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एम की जो दो रूट्स हैं वो एक रूट है टू प्लस अंडर रूट थ्री, दूसरा रूट है टू माइनस अंडर रूट थ्री। ये कैसे रूट है, रियल एंड डिफरेंट, आई नहीं है इसमें, आई होता यहाँ तो कॉम्प्लेक्स होता। देयर फोर वाई इज इक्वल टू सी एफ होगा, और सी एफ क्या होगा, सी वन ई की पावर टू प्लस अंडर रूट थ्री एक रूट यानी कि एक्स, सी टू ई की पावर टू माइनस अंडर रूट थ्री दूसरा रूट इंटू एक्स, ये आंसर।